जय माता दी गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं। कल था पहला नवरात्रा, आज है दूसरा नवरात्रा और मैंने अपनी माता रानी की पूजा कर ली है और मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में और फिलहाल बन रही है मेरी चाय। अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और आज मैंने पहनी है मैरून कलर में साड़ी पहनी है आज मैंने। ये मेरी चाय बीड़ियों के चक्कर में उबल उबल कर लाल हो चुकी है बिल्कुल। और ये हैं व्रत वाले चिप्स। तो गाइस आ जाइएगा, आप लोग भी खा लीजिएगा। और माता रानी का प्रसाद मैंने लगा दिया है, अभी मैं पीऊंगी चाय। गाइस ये देखिए, मैंने माता रानी का प्रसाद लगा दिया है चाय और चिप्स का। और ये देखो माता रानी का श्रृंगार है और ये माता रानी का दिया जल रहा है। और ये देखो फाइनली हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो गाइस जय माता दी बोलना सब लोग। और ये देखो मैंने बोए थे जो हमारे यहाँ बोए जाते हैं माता, ये नवरात्रों में जो बोए जाते हैं। और ये देखो माता रानी का कलश स्थापित किया है। मैं ब्लॉग कल करना चाह रही थी बट मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं था और ब्लॉग भी मेरा काफ़ी दिन बाद आ रहा है। और ये देखो मैंने लड्डू गोपाल की भी पूजा कर दी है और हमारे लड्डू गोपाल भी कितने सुंदर लग रहे हैं। और आप लोग बोलिएगा राधे राधे। तो सब लोग बोलिएगा, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो ये गाइस कुकी का चल रहा है इधर मेकअप। ओहो ये तेरा चेहरा, ये चोटी भी इसने खुद ही बनाई है। ओहो ये क्या देख रहा है अंशु, कौन सी पिक्चर है ये? देखो दोनों भाई बहन कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन सी देख रहे हो? तो गाइस ये सारे के सारे चले गए हैं कैमरे के डर से अंदर। पता नहीं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मेरे ब्लॉग से, मैं इनकी उल्टी पुल्टी हरकत ना डाल दूँ। ये लड़ते हैं सारे दिन, तंग करते हैं। नागिन डांस करके दिखा। तो गाइस मैंने मंगाया था मीशो से ऑर्डर और ये ऑर्डर मेरा आ चुका है। अरे बच्चे लेने गए हैं बाहर, ये दोनों बहन आपस में मेरी बुराई कर रही हैं, कुछ ना कुछ बोल रही हैं। देखो इनमें चल रही है कुछ ना कुछ बातें। बताऊँ आज मैंने, कल से इनको डांट ही रही हूँ तीनों बच्चों को, इस वजह से मेरे से नाराज है। मेरा ऑर्डर आ चुका है, मेरे हाथ में दिया जाए। तो ये अभी लगा रही है बेबो मेरे हाथ पर मेहंदी, ये देखो इसने क्योंकि नवरात्रि में अपने हाथ पे भी लगाई थी मेहंदी। बेबो दिखा दें अपना हाथ एक बार। ओहो इतनी अच्छी मेहंदी, इसने सोचा बची हुई मेहंदी मम्मी के लगा दूँ। बोल तो ये रही थी मेरे से कल से, परसों से ही बोल रही है मम्मी मेहंदी लगा दूँ, पर मैं ही मना कर रही थी, सोच रही थी मैं करवा चौथ पर ही लगवा लूँगी, बट ये बोलने लगी कि मैं लगा दूँ। तो मैंने कहा ठीक है लगा दे। अच्छी गाइस मैंने बनाया है केक, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये मेरा केक, इसकी शक्ल थोड़ी खराब है पर ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं जा रही हूँ लौकी की बर्फी, फास्ट में लौकी खा सकते हैं ना इसलिए। गाइस मैं बना रही हूँ लौकी की बर्फी, शाम के 6 बज चुके हैं और फिलहाल मैं अपनी प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। ये देखो जो बेबो ने मेहंदी लगाई थी ना, इस टाइप की रची हुई है। ये लौकी को ना मैंने कद्दूकस करने के बाद में उसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था, तो अच्छे से पानी निकालना है हमें इसमें से। गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है मैंने, तो इस कढ़ाई में हम डालेंगे अभी थोड़ा सा घी। अब ये घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे लौकी। तो इसको ना हम ऐसे ढक देंगे, इसको लौकी को थोड़ा पकाना है हमें। तो ये मैंने ना इसके अंदर डाला है मिक्सी के जार के अंदर सूखा गोला और 5 से 6 बादाम डाले हैं मैंने, जितना भी आपको चाहिए कोई। देखो हमारा बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो ये ना मैंने कल बनाया था घी,
देसी घी निकाला था कल मैंने, इसको ना मैंने कांच के जार में डाल दिया है। डालने के बाद में ये मावा निकलता है, इसको हम बर्फी के अंदर डालेंगे। अभी फिलहाल हम इसको जार के अंदर डालने के बाद ग्राइंड करेंगे। तो ये दोनों चीज मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, देखो कितना सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है इससे, तो इससे ना हम पेड़े भी बना सकते हैं। तो ये देखो लौकी हमारी पक चुकी है। फिलहाल हम इसमें डाल लेंगे ये बिल्कुल मलाई वाला दूध, एक से डेढ़ गिलास। इसको अभी दूध में पकाना है हमको। गाइस ये ना लौकी का जो दूध है वो सूख चुका है, अब इसमें हम बाकी की चीजें डाल देते हैं। ये देखो हम चीनी का यूज नहीं करेंगे, हम डालेंगे इसमें देसी खांड। अगर आपको इस बर्फी का ग्रीन कलर चाहिए ना तो इसमें आप फूड कलर ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, एक चुटकी, तो उससे ना इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। बट फूड कलर मैं इसलिए नहीं डाल रही, फास्ट में पता नहीं खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं इसमें फूड। हमारी लौकी की बर्फी ना बिल्कुल साइड छोड़ दी है, तो फटाफट से हम इसको जमा देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस आज है अष्टमी, नवमी एक हो रही है ना, तो इस वजह से मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, तो अष्टमी का खाना बना रही हूँ। और फिलहाल देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। ये देखो मेरे ये चने भी बन चुके हैं, और ना ये मेरा ना हलवा भी बन चुका है। देखो ये सारे मसाले हैं, ये आलू वालू भी सब बॉईल हो चुके हैं, और ये टमाटर भी पिस चुके हैं हमारे। चॉपर मैंने न्यू मंगाया था ऑनलाइन, भंडारे वाले आलू की सब्जी बना रही हूँ मैं। ये देखो मसाला कितने अच्छे से बन चुका है, इसने भी बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी आलू है ना इसमें ये ऐसे फोड़ के डाल रहे हैं आलू। भोग लगा लो। ये देखो मैंने कर ली है पूजा, और ये है हलवा चना पूड़ी, और ये देखो माता रानी, आज हो गए माता रानी के दिन पूरे। ये आठ पूड़ी रखी हुई है मैंने माता रानी के भोग के लिए। सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो। अभी तो हस्बैंड भी जा चुके हैं अभी, तो उसके बाद ये सब्जी बनाई थी मैंने, देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। पूरी कढ़ाई भर के बनाई थी, और ये सब लोगों ने काफी ज्यादा खुश होकर खाई थी सब्जी। और ये पूड़ियों के लिए दोबारा से तेल गरम हो रहा है, और ये देखो हलवा भी इतना बचा है क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा पसंद आया सबको। गाइस बताना फूलेगी नहीं फूलेगी पूड़ी, और मेरा गला भी ना काफी ज्यादा बैठ चुका है क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे थे ना, फास्ट की वजह से आलू आलू ज्यादा खाते हैं ना, उसकी वजह से छाले हो गए।
ओह माय गॉड, ये तो पूरी फूली नहीं, बेइज्जती होगी इस पूरी ने, तो पूरी बेइज्जती करवा दी। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। वाह फूल गई, अच्छे से नहीं फूली बट। ये गाइस ये प्रसाद है आप लोगों के लिए, आ जाइएगा खा लीजिएगा यम्मी सा माता रानी का प्रसाद। या अभी ना रसोई काफी ज्यादा फैली हुई, तो हमारे चांद नवाब गरम सब्जी मांग रहे हैं, तो थोड़ी सी सब्जी को गरम कर लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट डे शाम का टाइम हो चुका था, हम लोग आए थे रावण दहन देखने के लिए, बच्चों को लेके पहुंच चुकी थी मैं, और अभी हस्बैंड जी भी आने वाले थे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और ये देखो ये मेघनाथ और ये रावण है साथ में, करण का अता पता ही नहीं है वो कहाँ चला गया। और ये देखो रावण दहन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, पटाखे इतने ज़्यादा जलने लगे थे, वाई गॉड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस ये भी एक इत्तेफाक है कि एक पुतले को जलाने के लिए हजारों रावण इस मैदान में आए थे, और ये देखो कितना अच्छा मोमेंट था, काफी ज्यादा अच्छा। हैप्पी दशहरा गाइस। तो गाइस दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो हमें इसी तरीके से अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे बने रहना चाहिए, और यही है मतलब दशहरे का महत्व। अभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तो देखो ये एक पुतला है किस तरह से जल रहा है, तो हमें ये यही सिखाता है कि घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए अपने आप को, अपने आप पर। घमंड हमारी बर्बादी का कारण बनता है, जैसे कि इस रावण का बन गया था सीता हरण के बाद।